लोकसभा चुनाव के बीच ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला शुक्रवार को आया। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। साथ ही फिर से बैलेट पेपर से चुनाव शुरू कराने की मांग को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज कर दी गई। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर नेताओं के रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। बिहार के अररिया में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में ईवीएम और बैलेट पेपर का जिक्र किया। ये पहली बार है जब पीएम मोदी ने अपने किसी भाषण में ईवीएम का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि पहले बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, अब गरीब को ईवीएम द्वारा उसका हक मिला है। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। आरजेडी कांग्रेस के इंडी गठबंधन को ना देश के संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना, पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। इतना ही नहीं, गरीबों को तो वोट डालने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन, उनको तो डंडे के चोट पे घर के बाहर निकलना मना कर दिया जाता था। अब जब गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है, तो ये जो